जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो स्पेशली ये स्टेट वाइज मेरिट क्या रहेगी, क्योंकि पूरी मेरिट के बारे में मैंने वीडियो बनाया, ऐसे जीडी की फाइनल मेरिट क्या रह सकती है इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बना दिए थे, लेकिन हर एक वीडियो के बाद में किसी न किसी अलग अलग स्टेट से कमेंट आ रहे हैं कि सर झारखंड से क्या रहेगी, असम से क्या रहेगी। तो पूरा तो नहीं, लेकिन मैं इसमें बड़े बड़े जो स्टेट हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो ये वीडियो स्पेशली जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, एमपी, इनकी मेरिट लगभग लगभग सेम रहती है, ज़्यादा अंतर नहीं आता इनकी मेरिट में। इधर गुजरात हो गया, गुजरात की अलग आती है, असम जो नक्सलाइट बॉर्डर है उनके या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट क्या बनती है, और गर्ल्स की मेरिट क्या रहती है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में, कितना जंप कर सकती है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो उसी बारे में दोस्तों। साथ में बता दूं दोस्तों कि एनपीएस सुविधा के द्वारा आपको कितना रुपए रिटायरमेंट के टाइम में पेंशन मिलती है, एसएससीजीडी के द्वारा अगर आप ज्वाइन करते हो पैरामिलिट्री फोर्स को तो कितना रुपए रिटायरमेंट के टाइम मिलता है, कितना रुपए आपको ज्वाइनिंग के मतलब सेवानिवृत्ति पर मिलता है, और कितना रुपए के रूप में आपको पेंशन मिलती है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और डेपुटेशन, आप जैसे सीबीआई, पुलिस, इनमें डेपुटेशन कैसे जाते हैं और कौन कौन जा सकते हैं, क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। साथ में सैलरी के बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं, इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, कई जो छोटे भाई है वो बार बार मेरे को इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अलग अलग स्टेट से कर रहे हैं, और ज़्यादा डर उनको लग रहा है जिनके नंबर थोड़े से कम है, जैसे 3 नंबर 2.5 नंबर 3 नंबर 2.5 नंबर या 4 नंबर, ये वाले ज़्यादा मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे स्टेट से पिछली बार इतनी सीटें रही थी, 2017 में इतनी सीटें रही थी। तो मैं पहले तो दोस्तों बात बता दूं आपको कि 2017 की जो मेरिट रही थी और अभी की जो मेरिट है 2019 वाली जो ये वैकेंसी 18 वाली, इनमें बहुत डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि उस समय का जो पूरा मापदंड अलग था, अभी का मापदंड अलग है, आप उसे कंपेयर मत करो। उसमें कई स्टेट में ऐसा हुआ था उसमें 5-5 गुना तक मेडिकल पास किए थे फिर मेरिट बनाई गई थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। इस बार केवल 3 गुना से ऊपर मेडिकल में पास नहीं किए गए थे रीमेडिकल को मिला के। और अभी जो एक आंकड़ा आपके सामने आ रहा है कि 85,000 मेडिकल फीट है, तो ये एग्जैक्ट सही आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये मैं बता दूँ। कि ये जो आंकड़ा है ये कहाँ लिखा हुआ, आप मुझे बता दो कहाँ लिखा हुआ कि 85,000 मेडिकल फीट है। आप किसी भी एसएससी की साइट पर चले जाइए, कहीं पर भी अगर ये आंकड़ा मुझे मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसके मुझे भेजना, कहीं पे भी नहीं है ये आंकड़ा, ये केवल ऐसे ही बना दिया आंकड़ा लोगों ने कि 85,000 फिक्स मेडिकल फिट है। किसने कहा 85,000 मेडिकल फिट है, नहीं, 3 गुना के समथिंग मेडिकल पास होते हैं। उनमें से मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि उनमें से मतलब 85 से 1,00,000 मतलब 1,00,000 के बीच में ही लोग अब मेडिकल फिट बचे हैं जिनकी मेरिट बनने वाली है। 85,000 फिक्स आंकड़ा नहीं है, आप इसको मानकर मत चलिए। लोग ऐसे बता रहे हैं कि 85,000 फिक्स आंकड़ा, 85,000 कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। एसएससी की किसी भी साइट पर, किसी भी एसएससी की नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिए किसी भी दिन की, ssc.nic.in जो नोटिफिकेशन है उस पर आप जाके चेक कर लीजिए, कहीं पे भी ये 85,000 का आंकड़ा नहीं है दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए कि 85,000 नहीं, कम से कम 1,00,000 कैंडिडेट के आसपास है, 85,000 से 95,000 या 1,00,000 के आसपास है। वो कैसे हैं उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि जब पास किए थे तब 95,000 जब 3 गुना के आसपास मेडिकल फिट किए थे, तो 60,000 की वैकेंसी में अगर 3 गुना लेते हो तो मतलब 1,50,000 के आसपास बैठता है, लेकिन 1,50,000 कम से कम मेडिकल फिट मेडिकल वाले मेरिट के लिए अपॉइंट किए थे। उनमें से मैंने बताया था कि कम से कम आप ये मान के चलिए 60,000 को रीमेडिकल होगा, क्योंकि रीमेडिकल बहुतों को मिलता है। लेकिन ये भी आप याद रखो, रीमेडिकल में पास भी बहुत हुए हैं, आप याद इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना, जो जो रीमेडिकल में पास हुए हैं वो अपना अलग से लिखना, ताकि लोगों को पता चले कितने लोग रीमेडिकल में पास हुए हैं। रीमेडिकल में फेल बहुत कम हुए हैं, ये 85,000 का आंकड़ा सही नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि 85,000 मेडिकल फिट है, तो ये आंकड़ा सही नहीं है। तो इसलिए जो मेरिट है वो थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। ये कई अगर आप बेफिक्र होकर बैठ रहे हो कि भाई मेरे 2 नंबर ज़्यादा है, मैं बेफिक्र होकर बैठ जाऊँ आगे की पढ़ाई छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको आपकी पढ़ाई जारी रखनी है। नई वैकेंसी भी 23 मार्च से फार्म भरे जाएंगे 2021 के, और इस वैकेंसी की भी ज्वाइनिंग 23 मार्च तक हो जाएगी दोस्तों, ये आप मान के चलिए। तो ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, अगर उसमें से मैंने बताया था कि कैसे कैसे कट कट करते करते आप ये मान के चलो कि 85,000 से 1,00,000 के आसपास में लोग है जो मेडिकल फिट है, और 1,00,000 के आसपास में मतलब ऊपर भी हो सकते हैं, फिक्स 85,000 कहीं पे भी नहीं है, ये केवल ऐसे ही बना दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं स्टेट वाइज, तो मैं बता दूँ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी और छत्तीसगढ़ ले लो, झारखंड ले लो, साथ में आप गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट ले लो,
इनका मिला के दिल्ली NCR हो गया, गुड़गांव हरियाणा, ये आप पूरा एरिया ले लो। इनमें मेरिट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एक दूसरे स्टेट से। जहाँ मेरिट ज़्यादा नीचे ऊपर उछलती है वो स्टेट है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इन स्टेटों में क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं ये फोर्स के कम तैयारी करते हैं और यहाँ की जो कट ऑफ निकलती है वो लो निकलती है, क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है, मतलब नंबरों में। जो फाइनल कट ऑफ निकलती है पिछली बार में मैंने देखा था 33 पे गई थी, उसके बाद में कई स्टेट में 40 चली गई, मतलब 7 नंबर बढ़ गई और कईयों में एक नंबर भी नहीं पड़ पाई। जैसे अपना राजस्थान, हरियाणा, UP, यहाँ पर पिछली बार भी ऐसा ही हुआ कि दो दो तीन तीन नंबर, कहीं दो तीन नंबर, अलग अलग कैटेगरी में दो नंबर, तीन नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर तक ही जंप की, इससे ज़्यादा जंप नहीं की है। लेकिन कईयों को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इन स्टेटों में जो फाइनल मेरिट होती है वो जंप करती है। उसका कारण ये है कैंडिडेटों के बीच में डिफरेंस काफ़ी हो जाता है इनमें, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग तैयारी करते हैं। तो आप ये मान के चलिए अगर आप असम नक्सलाइट एरिया या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या नक्सलाइट एरिया से आप अगर बिलोंग करते हो, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़, इनके बॉर्डर एरिया या नक्सलाइट एरिया से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आप मान के चलिए आपकी कट ऑफ से अगर आपके तीन नंबर ज़्यादा है तो आप सेव हो। ये जब मेरिट आएगी तब आप मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर लेना और देख लेना, तब आप मतलब सेव की कैटेगरी में हो कि आप सेव हो, मतलब आपका नंबर आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप इन स्टेटों से हो जो मैंने पहले बताया कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अपना कुछ केरल का भी हिस्सा, तो इन स्टेटों में क्या होता है कि जंप करती है। या साउथ साइड से अगर आप हो, साउथ से बिलोंग करते हो, तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इनमें क्या है कि जब मेरिट आती है तो कई बार बहुत ज़्यादा जंप कर जाती है और कई बार बिल्कुल भी नहीं करती, लास्ट कट ऑफ पे दे देती है। तो इनका मतलब एक्सपेक्टेड बताना मुश्किल है। बाकी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, अपना गुड़गांव, पंजाब, मध्य प्रदेश, इनकी मेरिट में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इनकी आप जनरल कैटेगरी की अगर मेरिट मान के चलोगे तो कट ऑफ से चार नंबर आप लगा लीजिए। लेकिन हाँ, फिक्स चार नंबर नहीं लगाइए, क्योंकि इस बार अगर मेडिकल कट ऑफ का आंकड़ा अगर ये सही है 85,000 का, जहाँ से भी ये आंकड़ा आया, मैं तो इसको पूरा एग्जैक्ट सही नहीं मानता, लेकिन अगर ये 85,000 का सही है तो फिर प्लस दो ही जाएगी, प्लस दो या ढाई अंक से ऊपर प्लस नहीं जाएगी, ये मान के चलिए आप, अगर ये आंकड़ा सही है। अगर ये आंकड़ा गलत हुआ और लाख, एक लाख से ऊपर लोग मेडिकल फिट है प्रेजेंट टाइम में, आप एक तो इस बार कमेंट बॉक्स में जो जो रिमेडिकल पास हुए हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना बताना कि मैं रिमेडिकल पास हूँ, क्योंकि रिमेडिकल में बहुत सारे पास हुए हैं लड़के भर्ती बोर्ड में, ये मैंने भी देखा है, मेरे साथ में भी देखा है, बाद में भर्ती बोर्ड में देखे हैं मैंने, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो रिमेडिकल में भी पास हुए हैं। तो दोस्तों बता दूं कि अगर फिक्स आंकड़ा यही है तो अगर आप तीन नंबर से ऊपर हो तो आप सेव हो, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और तीन नंबर से अगर आप ऊपर हो तो आप सेफ हो। अगर आप OBC, SC, ST, अगर SC, ST में अगर आप तीन नंबर ज़्यादा हो तो आप पक्के सेफ हो इन स्टेटों में, क्योंकि इन स्टेटों में मेरिट ज़्यादा जंप कट ऑफ के बाद में जंप नहीं करेगी, कट ऑफ तक बहुत ज़्यादा जाती है, कट ऑफ के बाद जंप नहीं करती। इसका रीज़न क्या दोस्तों मैं बता दूं, क्योंकि इन स्टेटों में आर्मी या फोर्स में लगने का जज्बा ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं, तो जो ज़्यादा लोग जब तैयारी करते हैं तो उसका होता क्या कि कट ऑफ तक जो लास्ट वाला जो नंबर होते हैं, जैसे अगर 79 कट ऑफ गई है तो 79, 79.5 और 80, इसके बीच में यहाँ का 30-35% हिस्सा इसी नंबर पर होता है दोस्तों। तो इसलिए फिर फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ से ज़्यादा नहीं हिलता है, बाकी स्टेट में कट ऑफ बहुत डाउन रहती है, इससे ऊपर आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कट ऑफ से फिर फाइनल मेरिट जंप करती है, इन स्टेटों में ज़्यादा जंप नहीं करती। तो अगर आपके तीन नंबर प्लस है, अगर आप SC ST इसमें हो और अगर लड़की हो, तो आपको दिल में थोड़ी सी तसल्ली दे लो कि मेरिट का इंतज़ार करो और भगवान ने चाहा तो आपका ज़रूर नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल से हो, लड़के या लड़की, लड़की अगर जनरल से हो तो आपके तीन नंबर पर अच्छे चांस बन रहे हैं। अगर आप लड़के हो, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरी से हो आप, तो आप ये मान के चलिए कि आपका चार नंबर पर सेव आप मान सकते हो, चार नंबर पर आप सेव हो, चार नंबर के ऊपर आपका अगर नंबर है तो आपको फिर पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका नंबर पक्का हो जाएगा। फर्स्ट चॉइस में मैं बता दूं, पोस्ट अब चेंज नहीं होगी, जिसको जो मिल गया है वो मिल जाएगा, पोस्ट अब चेंज नहीं होगी, सभी जॉब अच्छी है और आप ज्वाइन कर लेना। तो ये इन स्टेट का मेरिट रहने वाला, जो राजस्थान, MP, गुजरात ले लो, अपना पंजाब, दिल्ली, NCR, तो इनमें मैंने बता दिया कि जनरल कैटेगरी का एक बार फिर बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरी से जो है उसका अगर चार नंबर ज़्यादा है फिर तो वो बिल्कुल बेफिक्र रह सकता है, क्योंकि उसका नंबर आने के काफ़ी चांसेस है अगर लड़का है, और लड़की है तो पक्का सेफ है। और जो OBC, SC, ST वाले हैं, अगर इनके चार नंबर ज़्यादा है तो वो पक्के सेफ है,
उनको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तैयारी अपनी रखो, क्योंकि आपको पता दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसकी तैयारी रखो। तैयारी आपको छोड़नी नहीं है, केवल इसके भरोसे बैठ, इसके भरोसे वो बैठ सकता है जिसके 10 नंबर ज़्यादा है, जिसके 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर ज़्यादा है, तो वो तो बिल्कुल निर्भय होकर बैठ सकता है कि उनको पक्का भाई उनकी SSC में नंबर आ जाएगा। दोस्तों, मेरिट आ जाएगी आपकी दिसंबर लास्ट तक, काफ़ी चांस बन रहे हैं मेरिट आने के, तो दिसंबर लास्ट तक आपकी मेरिट आने के चांसेस फुल है। फुल का मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके मेरिट आ सकती हैं। तो अगर बिल्कुल निर्भय होकर बैठना है तो वो जिसका 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ज़्यादा है, कहीं के 15-15 नंबर भी ज़्यादा है, तो वो बैठ सकते हैं, तसली से उनका नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का 4 नंबर, 5 नंबर ही ज़्यादा है, तो 4 नंबर से ऊपर मैंने बता दिया है, तो ये हो सकता है। अब इसके अलावा असम, मणिपुर, मेघालय, इनके बहुत कम होते हैं, तो इनकी मेरिट भी ज़्यादा कट ऑफ के बाद में ज़्यादा नहीं हिलती है, बस 1-2 नंबर का ही रहता है डिफरेंस। तो अगर आप उन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपका नंबर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, और आप किससे संबंधित वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन रीमेडिकल वाले 100% नीचे रिप्लाई करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।